हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैकर भैया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी के भी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, यानी वो बंदा भी कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप कैसे अपने फ़ोन से ट्रैक कर सकते हैं। और उसको ये चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा फ़ोन यूज कर रहा है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, कहाँ है, और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें यह खास बात है कि अभी तक जितने ट्रिक बताया है उसमें तो बहुत सारे ट्रिक में आपको विक्टिम के फ़ोन लेना पड़ता था, लेकिन इस ट्रिक में ना तो आपको विक्टिम के फ़ोन लेना है, ना उसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और जो कुछ करना है अपने फ़ोन से करना है और अपने विक्टिम की सारे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आप इसको गलत यूज ना करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ होगा हम लोग अपने फ़ोन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र खोल लेना है, अपना एक ब्राउज़र खोल लेना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम यूज कर सकते हैं, जो ब्राउज़र आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से करना क्या है कि सबसे पहले आपको तीन वेबसाइट को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है gravify.link। इस वाली वेबसाइट पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है इस वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ से थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। ओके, तो डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको लॉगिन या रजिस्टर करने का ऑप्शन। इस पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आपको इस पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, एक ईमेल और कन्फर्म ईमेल, ये सारी चीज़ें कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके ये चीज़ें कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको दोबारा आना है इस वेबसाइट पे और इस पर लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपना यहाँ से यूजर आईडी डालना है, और यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ से आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही इस वेबसाइट को नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है, इंटर ए वैलिड URL और ट्रैकिंग आईडी। इस पे दोस्तों आपको करना क्या है कि आप एक कोई भी लिंक अपने विक्टिम को भेजना है, कोई भी लिंक, यानी आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो का लिंक उठा सकते हैं, या कोई भी आप कहीं से भी कोई लिंक ले लीजिए। जैसे मैंने यूट्यूब खोला है, यूट्यूब से ये वीडियो का एक लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मैंने इस एक वीडियो का लिंक कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से करना है क्रिएट URL पे क्लिक, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये एक आपको सामने URL बनाए देगा, जो कि एक ऐसा URL होगा जिससे कि आप अपने विक्टिम को ट्रैक कर पाइएगा। चलिए यहाँ देखिए ओरिजिनल URL दिखा रहा है, यहाँ से न्यू URL दिखा रहा है, इसको आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ इस पर क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि अपने विक्टिम की व्हाट्सएप पे या कहीं भी उसको भेज देना है। तो चलिए मैं आपको खोलता हूँ अपने व्हाट्सएप पे विक्टिम को, यहाँ से मान लीजिए मैं इसको भेज दिया, तो आपका विक्टिम इस लिंक पे क्लिक करेगा तो सिंपली वो इस वीडियो के लिंक पे ही पहुँचेगा, ताकि उसको कोई भी शक नहीं होगा। देखिए ये वीडियो के लिंक पे ही पहुँच गया। उसके बाद सिंपली आपको आना है इस वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देना है, रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों जैसे ही नीचे जाइएगा आपके सामने ये दिखाई देगा आपको, ये देखिए अभी मैंने व्हाट्सएप से एक लिंक भेजा था ये वाला। देखिए दोस्तों यहाँ से उस विक्टिम का अपने IP एड्रेस मिल गया, कंट्री मिल गया, और ये डिस्ट्रिक्ट मिल गया, एकदम एक्यूरेट है। व्हाट्सएप से आपने भेजा था ये भी मिल गया, उसके बाद इसका होस्ट नेम भी मिल गया, साथ में ये भी मिल गया कि आपका किस कंपनी का आपका सिम यूज कर रहा है, एयरटेल यूज कर रहा हूँ, एयरटेल है। उसके बाद इस पर मोर इन्फो पे आपको क्लिक करना है। मोर इन्फो क्लिक करने की आपको पूरी डिटेल मिलती है, यहाँ से ये भी मिल जाती है डेट, IP एड्रेस, कंट्री, सारा चीज़ यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा एयरटेल का सिम है या किस चीज़ का, उसके बाद किस ब्राउज़र से लिंक खोला गया है वो भी मिल जाएगा। सिंपली आपको IP एड्रेस यहाँ से करना है कॉपी, अपने IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं IP एड्रेस को। उसके बाद दोस्तों IP एड्रेस को कॉपी करने के बाद अब आपको दूसरे वेबसाइट पर जाना है। वो कौन सी वेबसाइट होगी, तो सिंपली आपको गूगल पर जाना है। इसके लिए मैं स्पेशल कोई वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, गूगल पर जाके आपको IP लोकेटर सर्च करना है, IP लोकेटर। इसके बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। IP लोकेटर एक्चुअली दोस्तों ये आपको बता देता है
कि आपका आईपी का पूरा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपने यहाँ से विक्टिम का जो आईपी एड्रेस कॉपी किए थे वो डालना है। चलिए देखिए, ये मैं यहाँ से डालता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली आईपी लुकअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे जाइएगा तो आपके सामने फिर से एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का पूरा ये डिटेल खुल चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा कंट्री, रीजनल, सिटी और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है। इसको आपको कॉपी करना है। इस पर सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करिए और इसके बाद आपको कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आपको कॉपी सिंपली कर लेना है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपको आना है एकदम बैक, बैक आने के बाद अपने गूगल मैप में जाना है। गूगल मैप में जाइए, गूगल मैप यहाँ से ओपन करिए। इसमें दोस्तों आपको अभी एक काम करना है, इस थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे गूगल अर्थ मिलेगा, ये वाला। इस पर आपको गूगल अर्थ ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। अब चूंकि मैंने इसको अपने इंस्टॉल कर रखा है तो ये डायरेक्ट गूगल अर्थ खुलेगा। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करेगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इस पर आपको अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको सर्चेज करना है। तो कैसे सर्च करना है मैं बताता हूँ आपको। इस सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो ये पेस्ट कर देना है जो लेटीट्यूड की कॉपी किए थे। उसके बाद आपको यहाँ से करना क्या है कि स्पेस दे देना है इस तरह। उसके बाद इसको सर्च करते हैं। सर्च करते ही ये लोकेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए ये लोकेशन हम आपके सामने खुल के आ गया है। ओके, इसको खुल जाने दीजिए। देखिए कुछ ये लोकेशन खुल के आ गया है। ये दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर बता रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर बता रहा है, पूरा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करके आप स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, यानी आप एक गली अच्छे से पूरे डबल क्लिक करके जूम कर सकते हैं। आप इसको जूम कर करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह आप दोस्तों किसी भी बंदे का, किसी का भी अपने विक्टिम का आईपी ट्रेस कर सकते हैं, उसको उसका फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।